हयात अली। अर्जुन भाई, he's a gem of a person. अलीशा सिंघार, copy of Bruce Lee. ये मुलाकात हुई थी लोहड़ी गार्डन में जब वेलकम बैक टू माई ब्लॉग चैनल। और मैं एक बंदे से लोधी गार्डन में मिला था, और ये था मार्शल आर्ट्स, मतलब अच्छा अच्छा करते हैं। और उनसे बातचीत मेरी चल रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ब्रो मैं भी थोड़ी क्लास वर्क करता हूँ। मैंने कहा हाँ भाई, मेरी फिजिक भी कुछ खास बढ़िया नहीं है, तो क्या पता तुम्हारे साथ रह के कुछ ना कुछ हो जाए। तो इनसे मैं मिला, इनसे बातचीत हुई। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मेरी एकेडमी है, एकेडमी एक्चुअली इनकी साउथ एक्स में है, लेकिन यहाँ पे जंगपुरा में खुद सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं। मतलब कुछ सेटअप कुछ खास ऐसा नहीं है, लेकिन जो आदमी के अंदर जुनून होता है ना, जो जज्बा होता है कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है, तो वो चीज़ इनके अंदर मुझे दिखी है। और मैं आपको थोड़ी सी जगह दिखाता हूँ कि जगह ये कैसी है। ये देखो गाइस, ये जंगपुरा में एक जंगपुरा मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 से बाहर निकलेंगे, उसके बाद जस्ट वॉक डिस्टेंस पे एक पार्क है, नाम आई डोंट नो कोई नाम है क्या है पता नहीं, खैर जैसा भी है ये पार्क है। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा अपना सेटअप कर रखा है, और ये भाई का बैग है, और जो भाई हैं वो अभी वहाँ बैठे हुए अपने उनके साथ स्टूडेंट के साथ, जो मुझे बताया गया है। तो अभी कुछ ऐसा ही है, बाकी मैं आपको एक थोड़ा सा लुक दे देता हूँ, अभी आप चेक करो, चेकआउट करो। चेंज कर लिया है, और ये कुछ ऐसा है, और ये सामने ये लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नज़ारा है। आइए चलते हैं। ये ज़मान हयात अली, एंड अभी थोड़ा बहुत किया है मेरे, तो मैंने तो पहले दिन किया है, हालत ख़राब हो गई, और जो लोगों ने किया है वो भी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। वैसे ये आप जो हैं 10 तक करते हैं, कितना वो होता है, क्या ड्यूरेशन है? हम लॉकडाउन यहाँ लगा तो हमारा अकेडमी वहाँ पे बंद हो गया, तो हम यहाँ पार्क आके अपना इसको प्रैक्टिस स्टार्ट कर देने लगा, और धीरे धीरे हम यहाँ आके और हमारा दोस्त मिल गया, मतलब सारे बहुत सारे लोग यहाँ आ गए, हमसे बोला कि हमको भी सिखा दो, और हम उसमें उन लोगों के भी सिखाने स्टार्ट कर दिया। और अब तक लॉकडाउन के बाद करीब 6-7 महीने हो गए कि हम यहाँ रेगुलर रोज़ क्लास आ रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। और कितने बजे तक? 5 o'clock से आता है हम, और 7 o'clock तक 2 hours यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, या हार्ड वर्कआउट और प्रैक्टिस MMA के लिए है। जो लोग यहाँ पे जाके मतलब फाइट करना चाहते हैं, MMA मैच अटेंड करना चाहता है, तो यहाँ आके और हमारे साथ प्रैक्टिस कर रही है। एक्चुअली ये स्पेशल क्लास है यहाँ पे, अभी तो अकेडमी भी स्टार्ट हो गया, मतलब खुल गया, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं आ रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपकी एकेडमी कहाँ है? साउथ एक्स में है, वहाँ पे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन साउथ एक्स हंसल प्लाजा के सामने है वहाँ पे। अच्छा, तो वहाँ पे आप कब पहुँच जाते हैं? वहाँ पे भी क्लास है मेरा, एक्चुअली अकेडमी मेरी नहीं है, अकेडमी हमारे कोच के हैं, और हमारा क्लास भी है वहाँ पे, क्लास है जाके दूसरे टाइम मॉर्निंग में है, 7 to 8, 8 to 9 आई हैव क्लास इन मॉर्निंग इन द एकेडमी। बता रहे थे कि आपको फाइटिंग करनी है, आपको एक नेशनल लेवल पे जाना है, तो उसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? मैं एक नेशनल फाइटर बनना चाहता हूँ, कि हर देश में अलग अलग जाके वहाँ पे अपना फाइट फिक्स करके वहाँ जाके फाइट करो। ओह माय गॉड, वाओ। तो कुछ दिक्कत है, कुछ सिचुएशन है कि तो उसकी वजह से हम नहीं जा सकते, आएंगे रुक नहीं सकते, स्टॉप नहीं है, और फाइटिंग के लिए तो अभी खुद को तैयारी कर चल रहा है, और इस 9 अप्रैल में फाइट है मेरा नोएडा में इन दिल्ली। अगर कोई मेरा फाइट लाइव देखना चाहता है तो इसी चैनल की तरह थ्रू में आप देख सकते हैं, और हमारा लाइव
और अभी तो फिलहाल तैयारी चल रहा है, इंशाल्लाह जाके वहाँ पे हम फाइट करके और जीत जाएंगे। 9 अप्रैल को? 9 अप्रैल कहाँ पे? ये SCS सजमान है और वो सजमान यहाँ पे नोएडा में है। क्या किस नाम से? SCS अमेचर सेंटर सर्विस। अच्छा, या तो वहाँ पर आपका होगा? ये लोग अगर चाहता है तो हमारा फाइट देखना चाहता है तो लाइव देख सकते हैं इंशाल्लाह। आप मेरे को फिक्स भेजिएगा। आई विल पे, ठीक है ना? और गाइस मैं आपको बता दूं कि 3rd अप्रैल से लेके रमजान शुरू होंगे, और जैसे कि उन्होंने कहा कि आप लाइव देखोगे, तो ये अगर आप क्लिपिंग्स भेजोगे मेरे को थोड़े से वहाँ के बनवा के क्लिपिंग्स, तो वो मैं वीडियो में डाल दूंगा क्लिपिंग्स, अगर आपको कोई इशू ना हो, क्योंकि मेरा आना मुश्किल होगा रमजान होंगे ना। कोई नहीं है, मैं वहाँ से मतलब जितनी वीडियोस वगैरह बना सकता था तो लोग बनाएगा मेरे लिए, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और लाइव भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि आपने चैनल भी यहाँ पे हमारा जो इंस्टाग्राम का है आईडी, वो उसमें भी लाइव देख सकते हैं लोग। इंस्टाग्राम आईडी बताइए। या हयात महरियार, या इतनी क्या है? हयात महरियार। स्पेलिंग बता दीजिए एक बार। HAYAT हयात महरियार, MAHDYAR। और क्लिपिंग्स अगर ये मेरे को दे देंगे तो मैं आपको वीडियो के जरिए वो क्लिपिंग्स आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो गाइस जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, और मैं तो दुआ करता हूँ कि इन जैसा आदमी हर किसी बंदे को मिले, स्पेशली वो बंदा जो फाइनेंशियली थोड़ा लो हो। मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि मैं यहाँ पे आके करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दिल तहे दिल की ख्वाहिश है। और अभी जितना भी हम लोगों ने किया मैं आपको दिखा नहीं पाया, ट्राइपॉड नहीं था मेरे पास, इसलिए मैं आपको फिक्स करके नहीं दिखा पाया। जब कभी और आऊँगा तो एक बार क्या क्या वर्कआउट वो कराते हैं ये दिखाऊंगा, लेकिन बड़ा हार्डकोर वर्कआउट कराते हैं, सीरियसली मेरी तो हालत ही टाइट हो गई थी पूरी। एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप की वीडियोज़ आपके साथ में और करते रहूँ। फुल चलिए, हमारा फुल रन में कॉन्फर्म फुल है। कॉन्फर्म फुल में तो जब हमारा क्लास स्टार्ट करने से पहले भी जिस स्टूडेंट है एक दूसरे से मिल के तो फुल बोल के उसको रिस्पेक्ट करता है, और जब क्लास भी ख़त्म होता है तो हम एक दूसरे से फुल बोल के उसमें मतलब क्लास ख़त्म कर देते हैं, और ये एक रिस्पेक्ट है हमारा ये कॉन्फर्म में। और अभी हम आप लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं और हमारा क्लास भी ख़त्म हो गया और फुल बोल के रिस्पेक्ट मिल जाएगा। फुल Hayat sir, what are you making this? Yeah, we are making ring. The ring? Yeah, ring. The boxing ring, right? Yeah, the boxing ring. The small and the small ring. Achha, okay. Yeah, good. Yeah, practice boxing ring. Okay, nice, nice, nice. Okay, come. Okay. Yeah. I can't do boxing, I'm totally tired right now. As it is my first day. You carry on. Yeah. Jump cross like this, okay?
गॉड, लेकिन आप जैसे मारते हैं ना ऐसे तुरंत तुरंत नहीं मारते, देखो गॉड रखती ये फिर वापस आके गॉड पकड़ती, ठीक है, ताकि आपको दूसरा वो आता कि नहीं करते लगते, ओके। अब एक क्या करना है, सिंगल जंप क्रॉस 1 2, ओके गॉड एंड वापस तुरंत फिर ओके वन ओके फाइव ओके अपना नाम बताइए। अर्जुन भाई। तो अर्जुन भाई जैसे कि आप देख सकते हैं ये हयात भाई हैं अपने, मतलब मस्त बगान आदमी हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में, कुछ क्या कहते हैं कुछ शब्द? डेफिनेटली ओनली थिंग आई कैन से दैट ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। द वे ही ट्रेन्स अस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। ही इज वेरी मॉडेस्ट, ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, एंड इफ यू डेफिनेटली समवन हु इज रेडी टू लर्न थिंग्स, रेडी टू चैलेंज योरसेल्फ, डू कम हियर, मीट हिम, ही विल चेंज यू फॉर योर लाइफ टाइम। We are waiting here for you. Nice. Thanks, man. Welcome. Ma'am, first of all, your name? Hello, I'm Alisha. Alisha, full name? Alisha Singhal. Okay, Alisha? Singhal. Singhal. So, ma'am, what's your age? Like, you are youngest of all. Like? Yeah, I'm 21. Wow. you seem to be much younger than that. So, what do you think about our Hayat sir? He's the exact copy of Bruce Lee. He always tells us that he's the Bruce Lee of the India. No doubt, definitely. Yeah. And what else? Amazing, yes. He just has amazing training. Yeah, he's a very good person also. Yes. Any one thing which you don't like of his habits, like which annoys you a lot? He beats me very unnecessarily. That's it. It's right. He's right. That you can't change. That's why we will get motivation, na? Yeah. So that's all. Yeah. So अब मेरी सुन लो. So ये जो हयात भाई हैं, इनसे मेरी मुलाकात हुई थी लोडी गार्डन में जब मैं म्यूजिक परफॉर्म करा था. तो इन्होंने मेरी वीडियो भी बनाई थी उस टाइम पे. तो तब से मुझे ना थोड़ा शौक हो गया कि यार this person looks fit. तो एक बार मैं पूछूं ये करते क्या हैं. Then he told me that he does martial arts or something. मैं फ्लैट हो गया भाई. औरत होता तो मैं तो हो ही जाता फ्लैट. वैसे मर्द वाले हिसाब से मैं फ्लैट हो गया था. तब मैं सोचा यार कभी भी मौका मिलेगा तो इनके साथ इनके अंडर ट्रेन तो होना ही है. और जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी रमजान करीब है तो रमजान के बाद मोस्ट प्रॉब्ली आई एम थिंकिंग टू बी रेगुलर विद हिम हयात जी, बिकॉज ही इज वेरी डाउन टू अर्थ और करने में मजा आता है. आज करके पता चला कि कहाँ कहाँ पे मेरी खामियां थी. And I'm very grateful to Hayat that he is that kind of a person who guides also and who do workout while telling the correct position. ये नहीं कि करना है तो करो, ऐसा कुछ नहीं. He genuinely guides each and every person who is here. So Hayat, yes. I'm really really thankful to you and yes. It's been an honor to be to do workout with you, under you. So hats off, seriously hats off. और लिटरली गाइस जैसे कि इन्होंने कहा ये ब्रूस ली से भी अच्छे लगते हैं. मैं सही बताऊं, नाम मैंने सुना है ब्रूस ली, देखा कभी नहीं है, लेकिन ये मतलब वो लग रहा है मुझे, आई कैन इमेजिन. तो गाइस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना. आप तीनों ने बोल दिया, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना. लाइक शेयर कर दो हमरा, ये सब्सक्राइब बुक ने के और बस कुछ नहीं आया लेकिन सुनने में अच्छा लगा. तो चलो ओके ब्रो, ओके थैंक यू, थैंक यू आल्सो यू आर कमिंग, ओके आई विल डेफिनेटली कम आफ्टर रमजान, ओके ओके कम. बाकी अगर इस वीक का अगर होगा तो ओके, नहीं तो रमजान के बाद तो इट्स ओके, यू कम, ओके बाय बाय.